दिल्ली में बढ़ती महंगाई ने तोड़ी कमर। 13 दिन में दूसरी बार बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम। सीएनजी 2.28 रुपए प्रति किलो हुई महंगी। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। आर्यन को आज मिल सकती है बेल। सतीश मान शिंदे और उनकी पूरी टीम रहेगी कोर्ट में मौजूद। हमीरपुर में अज्ञात हथियारों ने की युवक की हत्या। खेत में फेंका युवक का शव। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अमेठी में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। बाइक को कार ने मारी जोरदार टक्कर। बच्ची समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। दिल्ली में सीएनजी 47.48 रुपए प्रति किलोग्राम की जगह अब 39.76 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। नए रेट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 35.11 प्रति एससीएम की दर से गैस उपलब्ध होगी और इससे पहले 1 अक्टूबर को सीएनजी 2.28 रुपए प्रति किलो और पीएनजी 2.10 महंगी हुई थी। सीएनजी और पीएनजी की बढ़ी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। सरकार ने 1 अक्टूबर को नेचुरल गैस के दामों में 62% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था। सरकार ने घरेलू नेचुरल गैस के रेट्स को अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाकर $2.90 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दिया है। इसके बाद से ही सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने की बात कही जा रही थी। दिन में दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं और ऐसे में महंगाई का एक और झटका जनता को लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, बीते काफी दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में तो बढ़ोतरी हो ही रही थी, उसके बाद गैस सिलेंडरों में भी, घरेलू गैस सिलेंडरों में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद अब आज सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी 13 दिन बाद दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है, जिससे सीधे तौर पर जनता की जेब पर एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़ने से आम जनता परेशान थी, लेकिन एक बार फिर से सरकार ने घरेलू नेचुरल गैस के रेट्स को भी बढ़ा दिया, साथ ही सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें, सोमवार को ही कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी, जिसके बाद आर्यन खान और अब्बास मर्चेंट की जमानत अर्जी की अगली सुनवाई का दिन बुधवार यानी कि आज का तय किया गया था। आज एनसीबी की ओर से पहले जमानत पर जवाब दाखिल किया जाएगा, इसके बाद कोर्ट फैसला करेगा कि आर्यन खान को जमानत देनी भी है या नहीं। ऐसे में आर्यन की ओर से सतीश मान शिंदे और उनकी पूरी टीम कोर्ट में मौजूद रहेगी। आपको बता दें कि आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि अगर जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो हम उच्च न्यायालय में जाते हैं। हमने मुंबई में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है और इससे पहले मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को आर्यन खान और 2 अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेज की जमानत याचिका पर किला कोर्ट में सुनवाई हुई थी और संक्षिप्त सुनवाई के बाद अदालत ने साफ कर दिया था कि उन्हें फिलहाल जमानत नहीं मिल पाएगी। आगरा के बाह कस्बा क्षेत्र में पूर्व विधायक की तरफ से गलत बयानबाजी को लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश फैल गया है और ब्राह्मण समाज के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं ने गांव
पंचायत कर आपत्तिजनक बयान की निंदा कर रोष जताया है। दरअसल कुछ दिन पहले फतेहाबाद के गांव में सभा के दौरान पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा बीजेपी नेता ने ब्राह्मण समाज की चोटी काटकर उसे पेड़ पर लटकाने का आपत्तिजनक बयान दिया था। गलत आपत्तिजनक बयान को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने एकत्रित होकर विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम उप जिलाधिकारी बाहा को राष्ट्रीय ब्राह्मण युवा सभा के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। तो आपको बता दें आगरा का पूरा मामला है जहां पर पूर्व विधायक के बिगड़ते बोल के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों में काफी रोष देखने के लिए मिल रहा है और ऐसे में ब्राह्मण समाज के लोगों ने यह आक्रोश दिखाया है और तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से उनके बयान का यह विरोध किया गया है। आगरा में राजनीति छोड़ समाज सेवा कर रही वरिष्ठ नेता पंडित अशोक दीक्षित की बेटी रूपाली दीक्षित ने पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा जो लोग समाज विशेष के प्रति बदनीयत रखते हैं और इस तरह की अनगल बातें करते हैं उनका राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक दलों से अपील की है कि ऐसे लोगों को चुनाव में टिकट न दिया जाए। आपको बता दें कि पूर्व विधायक और बीजेपी नेता छोटेलाल वर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ था जो हमने आपको अभी दिखाया भी था, जिसमें वो पंडित अशोक दीक्षित के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे थे। एक वीडियो कल वायरल हुआ है जो पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा जी ने जिसमें टिप्पणी की है मेरे पिताजी पंडित अशोक दीक्षित जी के बारे में, उनकी चुटिया के बारे में। टिप्पणी तो वैसे मेरे पिताजी के लिए जाति स्पेसिफिकली विशेषक हो गई है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जितना भी हिंदू समाज है जिसमें ब्राह्मण समाज है क्षत्रिय समाज है उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी ऐसी बातें करी हैं। ये मेरा मैसेज है उन सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कि हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को प्रतिनिधि ना बना के जो ऑलरेडी समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं हमारे समाज का ऐसी बातें कह के, उनको हम चाहते हैं कि उनका बहिष्कार हो। और इसी वजह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने जो एक आक्रोश बना हुआ है कहीं ना कहीं मीडिया पर, हम उसको रिस्पॉन्स हमारा देना जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शुरुआत मेरे पिताजी से हुई थी लेकिन अब वो पूरे जितना भी आगरा जिला है उसकी आवाज़ बन गई है, चाहे वो ब्राह्मण समाज की हो चाहे वो क्षत्रिय समाज की हो। इसलिए मैं चाहती थी कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मीडिया के जरिए अपनी बात रख सकूं कि मैं चाहती हूं कि आने वाले चुनावों में या आगे भी जब भी कोई राजनीतिक चीज़ें हों उसमें ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार किया जाए और जो व्यक्ति ऑलरेडी समाज को तोड़ने का काम कर रहा है उसको दूरी बनाए रखें ताकि हम लोग आगे कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने का काम कर सकें। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से हमारे संवाददाता आरके तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरके तिवारी, जिस तरह से पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा का ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ तौर से वो ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद ब्राह्मण समाज के लोग इसका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल फारूल, आगरा में जिस तरह से पूर्व विधायक फतेहाबाद के हैं वो छोटेलाल वर्मा, उन्होंने एक प्रोग्राम के तहत उन्होंने ये बयान दिया था एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति पर कि उसकी चुटिया काट देंगे, पेड़ पे लटका दी थी। इस बात को लेकर ब्राह्मण समाज और अन्य लोगों में आगरा में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर ये बात ट्रेंड कर रही है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, और उसके बाद जब ये बात ओपन हुई, मीडिया की सुर्खियां बनी, तो उसके बाद जिस व्यक्ति को लेकर ये टिप्पणी की गई थी उन्हीं की बेटी ने ये आवाज उठाई है कि उनके पिताजी के बारे में जो अनर्गण बातें विधायक की तरफ से की गई है उन पे एक्शन होना चाहिए, और 30 नेतृत्व तो जो भाजपा ने इनको अभी शामिल किया है भाजपा में, उनसे भी अपील किया कि ऐसे व्यक्ति को जो किसी के बारे में उल्टा सीधा बयान दे सकता है उसे कतई टिकट न दें, और जो राजनीति के तहत उन्होंने किया है इस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। और उन्होंने ब्राह्मण समाज से भी अपील की है कि सभी एकजुट होकर आगे आए। बिल्कुल आर के तिवारी, लेकिन अब देखिए ये वीडियो का जो वीडियो है ये वायरल हो रहा है जिसमें ये पूर्व विधायक बयान दे रहे हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई इन पर की जाएगी? देखिए वीडियो की जांच हो रही है क्योंकि छोटेलाल वर्मा ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि मेरे जो मैंने बयान दिया था वो बयान ये नहीं है, तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, और मैं किसी को सम्मान में कमी नहीं छोड़ता। उनका भी एक बयान जारी हुआ है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन वीडियो में साफ तौर से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं अशोक दीक्षित हैं पंडित अशोक दीक्षित, उनके लिए कि उनकी चुटिया काट के पेड़ पे लटका दी, तो कहीं ना कहीं वो बयान बिल्कुल सही है। हालांकि वीडियो की जांच करने की बात सामने आ रही है, जांच की जाएगी, जांच में अगर छोटेलाल वर्मा ने ऐसा कहा है तो शीर्ष पार्टी शीर्ष नेतृत्व भी उन पर कार्रवाई करेगी, प्लस उनकी बेटी अगर प्रशासन से मांग करती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल आर के तिवारी, लेकिन देखिए जिस तरह से पिछले कुछ दिनों की बात की जाए बीजेपी नेताओं के इस तरह से बयान और इस तरह की हरकतें लगातार सामने आ रही हैं, चाहे वो फिर लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ वो हो या फिर अब ये जो वीडियो वायरल हुआ है, तो बीजेपी नेता यानी कि पूरी तरह से सोच रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, 2022 चुनाव नजदीक है, अगर ऐसे ही उलझुल बयान अगर नेता देते रहेंगे तो शायद भाजपा को डैमेज उठाना पड़ेगा, उसका कंट्रोल नहीं हो सकता। ऐसे में रोक लगानी पड़ेगी, जो बयान नेता दे रहे हैं उल्टे सीधे उन पर रोक लगनी चाहिए, और नहीं फिर इसका खामियाजा 2022 में उन्हें भुगतना पड़ेगा। चलिए आर के तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये आगरा का पूरा मामला है जहां पर बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा का एक वीडियो इन दिनों काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पंडित अशोक दीक्षित के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और आपत्तिजनक बयान भी दिया, जिसके बाद अब ब्राह्मण समाज के लोगों में उनके इस बयान को लेकर काफ़ी रोष देखने के लिए मिल रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की परिवर्तन यात्रा आगरा पहुंच चुकी है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने गुरुद्वारा गुरु के ताल पर मत्था टेका। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव मौजूदा योगी सरकार पर हमलावर होते भी नजर आए। आपको बता दें कि आने वाले चुनाव के चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दौरा कर रही हैं। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में परिवर्तन यात्रा निकालेगी और उत्तर प्रदेश के चुनावों में खम के साथ उतरने वाली है। देखिए संघर्ष लेकर के हम निकले, मेरा पूरा मकसद है सत्ता परिवर्तन, और सत्ता परिवर्तन इसलिए करना है पूरे देश और विदेश में। जब से ये सरकार आई है उन्होंने कोई अपने वादे पूरे किए नहीं, और जो भी वादे किए थे पूरी तरह से खोखले निकले, और कहा था देश को ऊपर ले जाने के लिए देश की बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन कहीं पर भी GDP कहाँ चली गई माइनस में। जो जितने भी निर्णय लिए, जितने भी कानून बदले हैं, उस कानून से न तो किसान को फायदा है, न मजदूर को फायदा है, न नौजवानों को फायदा है, न महिलाओं को फायदा है, और किसानों की तो वो हालत कर दी है। 10 महीना हो गए हैं, 10 महीना पूरे उत्तर प्रदेश का किसान धरने पर।
अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है, जहां पर तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार और एक बच्चा समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद चारों लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने से पहले ही राजनीतिक दलों का दौरा जोरों पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में दौरा कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो या शिवपाल यादव की प्रसपा या कांग्रेस, तमाम राजनीतिक पार्टियां कई जिलों में दौरा कर रही हैं, जिसके चलते अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हमीरपुर पहुंची, वहीं संभावित प्रत्याशी जितेंद्र मिश्रक भी अखिलेश यादव के विजय रथ पर सवार दिखे, जहां पर अखिलेश यादव का तमाम कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। हमीरपुर के मोहदा कोतवाली क्षेत्र में मोहम्मद यूसुफ 10 अक्टूबर की शाम से लापता था, जिसके बाद युवक के परिजनों ने युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने युवक की तलाश की, वहीं युवक का रक्त रंजित शव पिपरौदा रोड स्थित एक खेत में पड़ा मिला। युवक की धारदार हथियार से हत्या कर शव को खेत में फेंक कर अज्ञात हत्यारे मौके से फरार हो गए थे। बता दें आपको, दो दिन से लापता युवक की तलाश में भटक रहे परिजनों को जब हत्या कर शव के जाने की सूचना मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, ये यूसुफ पुत्र हलीम है और ये घर से गए थे और इनकी गुमशुदगी भी थाने पर लिखी गई थी और इनकी उम्र करीब 25 वर्ष है और ये मोटरसाइकिल के मिस्त्री हैं। इनके किसी व्यक्ति ने इनके गले में जो है धारदार हथियार मार के हत्या कर दी है। इसमें आशंका है कि कई व्यक्ति भी हो सकते हैं। अभी छानबीन चल रही है, तहरीर मिल गई है, FIR पंजीकृत की जा रही है। डॉग स्क्वाड और जो हमारे जो है एक्सपर्ट हैं वो पहुंच रहे हैं फील्ड यूनिट के, और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है सबको कब्जे में ले लिया गया है। पंचनामा करवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हरदोई की पुलिस और आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक 20,000 के नामी अपराधी को 45 पौआ, अवैध शराब, भारी मात्रा में ढक्कन, रैपर, QR कोड और बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अपराधी काफी समय से अवैध शराब के धंधे में संलिप्त था और इनकी गिरफ्तारी के लिए 20,000 का इनाम SP ने घोषित किया हुआ था। वहीं SP अजय कुमार की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए बदमाश को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जनपद हरदोई में अवैध शराब के निष्कर्षण में व्यापार करने वाले अपराधियों के बीच चला जा रहे अभियान के तहत हरदोई की आबकारी टीम व थाना सांडी पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 45 पौआ देसी शराब, QR कोड, ढक्कन, रैपर आदि बरामद किए गए हैं। उचित धाराओं में अभियोग नियुक्त किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि इस अपराधी का नाम राम लखन कुशवाहा है, जो थाना अरवल क्षेत्र का रहने वाला है और पूर्व में भी इस तरह का अपराध में वांछित था, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। आज पुलिस को उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और इसको जेल भेजा जा रहा है। सपा नेता इंद्रजीत सरोज हरदोई में जनादेश यात्रा लेकर पहुंचे थे। ऐसे में गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और ओबीसी से मुसलमान भाइयों को भी सावधान रहने की जरूरत है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है और महंगाई कमर तोड़ रही है, जिससे आम जनता के साथ साथ सभी वर्ग लगातार परेशान है और ऐसे में भारत सरकार को महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर जीत सरोज ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व का भी कहना है कि गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी हो, क्योंकि सुनियोजित तरीके से किसानों को रौंदा गया है। ऐसे में जब यूपी में कानून तोड़ने वालों की गिरफ्तारी हो सकती है तो फिर यहां इनके खिलाफ गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पे कहना है कि जो है जो गृह राज्य मंत्री उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनकी गाड़ियां हैं, उनके बेटे हैं,
और उन्हीं का कार्यक्रम था। अब उन्हीं लोगों ने सुनियोजित तरीके से किसानों को रौंदाया है, तो अगर उत्तर प्रदेश में सबकी गिरफ्तारी हो सकती है कानून तोड़ने वाले, तो उन्होंने कानून तोड़ा है उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और पद से इस्तीफा देना चाहिए, ये हमारी नेताजी की मांग है। कुछ बुलडोजर चलाने की भी बात कही नहीं, बुलडोजर चलाने की बात यही है, मैंने बुलडोजर में कह, अगर योगी जी जो है सभी माफियाओं के या क्रिमिनल के लोगों के यहाँ बुलडोजर चलवाते हैं तो फिर उनके यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए, फिर उसमें ये पक्षपात क्यों, जो है पक्षपात नहीं होना चाहिए। हाथरस के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने 3 घंटे में अपहरण का खुलासा किया है। आपको बता दें कि 65 साल की वृद्ध महिला का बदमाशों ने अपहरण किया था। वृद्ध महिला को छोड़ने के लिए अपहरणकर्ताओं ने 80 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद एसओजी और पुलिस ने 3 घंटे में वृद्ध महिला को बदमाशों के चंगुल से छुड़वा लिया और इसी के साथ पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस और कार भी बरामद की। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ताओं ने क्राइम पेट्रोल टीवी सीरियल देखकर वृद्ध महिला के अपहरण की योजना बनाई थी। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं को जेल भेज दिया है। एक शैलेश दीक्षित नाम के व्यक्ति जो एक दुकान करते हैं परचून की, उनके द्वारा सूचना थाना कोतवाली पुलिस को दी गई थी कि उनकी माताजी जो दोपहर को धर्मशाला गई थी भागवत कथा सुनने, वो रात तक घर लौट के वापस नहीं आई और शाम करीब 7 बजे उनके फ़ोन पे एक कॉल आई जिसमें किसी अनजान व्यक्ति द्वारा उन्हें बताया गया कि उनकी माँ का अपहरण हो गया है और वो उस आदमी के कब्जे में है और उसको छोड़ने के एवज में 80 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। मेरे द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल 3 टीमों का इसमें गठन किया गया। सर्विलांस टीम और एसओजी टीम को भी इसमें लगाया गया तत्काल सक्रिय करते हुए। इसमें इन टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना के मात्र 3 घंटे के भीतर इसमें मैनुअल इनपुट, टेक्निकल इनपुट, सभी तरह के जो है अभिसूचना संकलन की कार्रवाई की गई और लगातार कई संभावित जगहों पर दबिश दे के नाकेबंदी करके कोटा कपूरा रोड के पास घेराबंदी करते हुए इस गाड़ी को पकड़ा गया। कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र में डॉक्टर सुभाष शर्मा की पुण्यतिथि पर एक अच्छी पहल करते हुए निशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। रेजेंसी और हेलेट के डॉक्टरों ने निशुल्क परीक्षण भी कर दवाएं बांटी। वहीं शिविर कैंप में 300 मरीजों ने परीक्षण करवा कर दवाएं ली। जिले में विधायकों और सांसदों ने डॉक्टर की प्रतिमा पर फूल अर्पित कर उनके विचारों को सबके सामने सुनाया। इस दौरान विधायक महेश त्रिवेदी, राज्य मंत्री अजीत पाल, सांसद रामशंकर कठेरिया भी मौके पर मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में बीते 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 3 किसानों की मौत हुई थी, जिसको लेकर लगातार राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है और पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए लगातार कई पार्टियों के बड़े नेताओं का आना जाना लखीमपुर खीरी में लगातार जारी है। वहीं मृतक किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए तिकुनिया में अंतिम अरदास अस्थि कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए वहां पर किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस से पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी अंतिम अरदास में शामिल होने पहुंची। आपको बता दें कि तिकुनिया कांड के बाद पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल दिखाई दे रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां तिकुनिया में किसानों की मौत के मुद्दे पर अपनी सियासी जमीन को बनाती हुई नजर आ रही है। इस कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी अरदास में शामिल होने को लेकर किसानों को श्रद्धांजलि अदा की उन्होंने, और किसानों ने इस दौरान किसी भी राजनीतिक दल को मंच तक साझा नहीं करने दिया। मथुरा के वृंदावन थाना क्षेत्र में इन्फिनिटी बिल्डर की निर्माणधीन बिल्डिंग में 2 अक्टूबर की रात में अज्ञात बदमाशों की तरफ से सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट कर उसे घायल कर उसकी लाइसेंसी बंदूक को लूट लिया गया था। इसके साथ ही बदमाशों की तरफ से स्टोर रूम में रखे हुए बिजली के कीमती तारों को भारी मात्रा में लूट लिया गया था, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाकर घटना में शामिल रहे 4 बदमाशों को वृंदावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत
अंतर्गत सुनरक गांव के जंगलों से लूटी हुई लाइसेंसी राइफल, कारतूस, बिजली के टूटे हुए तार और घटना में इस्तेमाल किए गए वाहनों सहित गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें, पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के अन्य फरार साथियों की भी तलाश में जुटी हुई है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। वहीं पुलिस के अनुसार कुछ दिनों तक कुछ मजदूरों ने निर्माणाधीन बिल्डिंग में मजदूरी का काम किया और वो बिना अपनी मजदूरी लिए बिना कुछ बताए वहां से गायब हो गए, जिसके बाद जानकारी हुई कि इन मजदूरों की तरफ से ही अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जनपद मथुरा के थाना वृंदावन में 2/3 अक्टूबर की रात को इन्फिनिटी बिल्डर्स द्वारा बनाई जा रही बिल्डिंग और फ्लैट्स जो कि अर्धनिर्मित हैं, उसमें कुछ बदमाशों द्वारा अंदर घुस के और वहां के गार्ड उनको घायल करके उनकी राइफल लूट के बिजली की तार की डकैती की गई थी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल सभी अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया। जिन गार्ड के साथ घटना हुई थी उनसे बड़ी सघन और गहन पूछताछ की गई, वहां पर काम करने वाले अन्य लोगों से भी जानकारी की गई। ये चीज़ें संज्ञान में आई कि यहां पर कुछ दिन पहले दो व्यक्ति काम करने के लिए आए थे, जिनके द्वारा कुछ दिन काम किया गया, बिना अपनी तनख्वाह लिए या बिना कुछ पैसा लिए और बिना कुछ बताए यहाँ से चले गए हैं। इसी लाइन पर जब काम किया गया तो SOG स्वाट और सर्विलांस की टीम इस गैंग के पीछे लगी। ये गैंग को ट्रेस किया गया और आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इस गैंग के 3 मेंबर्स योगेंद्र, राज और राहुल को अरेस्ट किया गया है और 4th व्यक्ति अरमान, जो कि एक नोएडा में स्थापित कबाड़िया है, जिसने ये जो लूटा हुआ माल है उसको खरीदा था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।